देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने, भाजपा ने लगातार अरविंद केजरीवाल जी को तोड़ने की, उनके कामों को रोकने का प्रयास किया है। मेरे ख्याल से विश्व में सबसे ज़्यादा इंक्वायरी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ हुई होंगी, चाहे पहले कहा गया स्कूल घोटाला, हॉस्पिटल घोटाला, किसी में कुछ नहीं मिला। निश्चित तौर पर इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ किया ही नहीं है। पर क्या प्रधानमंत्री मोदी, जिनको सिर्फ दो ही काम आते हैं, या तो भाषण देना या फिर ये इंक्वायरी इंक्वायरी खेलना, जब इस बार क्लीन चिट मिल जाएगी तो क्या प्रधानमंत्री मोदी एक गलत इंक्वायरी के लिए माफी मांगेंगे? लेकिन इसी क्लीन चिट की बात कर जेल में है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी का एक एक सिपाही और अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार लोग हैं। प्रॉब्लम ये है कि अनुराग ठाकुर जी को ईमानदार लगते हैं वो लोग जिनको उन्होंने 70,000, जिनको प्रधानमंत्री मोदी ने 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बताया और अपनी पार्टी में शामिल करने के बाद, फाइनेंस मिनिस्टर बनाने के बाद उनको क्लीन चिट दे दी, तो निश्चित तौर पर उनको ऐसे लोग घोटालेबाज लगेंगे जिनके पास चवन्नी नहीं मिलती और जो लगातार सिर्फ जनता के कामों में लगे हुए हैं। एक दूसरा मुद्दा है कि जो बीजेपी इंचार्ज बनाए गए, उन्होंने टोंक जिले राजस्थान में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर केंद्रीय जो राज्यसभा के सांसद है कपिल सिब्बल, उन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि एक तरह से इन्हें रिवार्ड दिया गया है भिदुड़ी को। ये तो निश्चित तौर पर सही बात है कि भाजपा में जो भी जितना बड़ा दुराचारी उतना बड़ा पदाधिकारी। आप देखिए, संजय सिंह जी ने केवल मणिपुर का मुद्दा उठाया तो उनको निलंबित कर दिया गया। आप देखिए, राघव चड्ढा ने सिर्फ नाम प्रस्तावित किए और इसलिए उनको निलंबित कर दिया गया, पर रमेश भिदुड़ी जी के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, ये तो गलत बात है। जी, अभी पंजाब में जो आपकी विधायकों ने सुबह सुबह गिरफ्तार कर लिया गया था, उस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। एक तरह से कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो उन्होंने भी कहा कि खून के प्यासे हो गए भगवंत मान और इस तरह से सरकार चला रहे हैं, डिक्टेटरशिप चल रही है, वहाँ की जो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल वहाँ के राज्यपाल से मिलने के लिए गया है। देखिए, आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी ड्रग्स टॉलरेट नहीं करेगी। ये वॉर अगेंस्ट ड्रग्स है। एक SIT सेटअप की गई थी अप्रैल में, जिसमें कुछ पुख्ता सबूत सामने आए जिस आधार पर उनको अरेस्ट किया गया है, बाकी कार्रवाई जारी है। लेकिन ये आपको नहीं लगता इससे कहीं ना कहीं गठबंधन पे असर पड़ेगा? वहाँ के कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा कि खड़गे जी से भी बात हुई थी और उन्होंने कहा कि उनके लिए लड़ाई लड़े। देखिए, आम आदमी पार्टी तो ऐसी पार्टी है जो हमारी पार्टी में भी अगर किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है तो उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। हमारी पार्टी बहुत हाईली प्रिंसिपल्ड और कट्टर ईमानदार पार्टी है और ये वॉर अगेंस्ट ड्रग्स है। अभी जो मध्य प्रदेश में एक लड़की के साथ दुर्घटना हुई, कांग्रेस पार्टी भी उस पर सवाल उठा रही है। प्रियंका गांधी का उस पर बयान है, उन्होंने कहा कि BJP के रूल में कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ये तो बात निश्चित तौर पर सही है। आप देखिए, NCRB का डाटा उठाकर देखेंगे तो भी दिखता है कि जहां भाजपा सरकार बिल्कुल विफल रही है महिला सुरक्षा के मसले को लेकर, चाहे वो मणिपुर हो या चाहे वो ज़मीन पे बैठी हमारी एथलीट्स हो जो एक FIR के लिए उनको इतनी लंबी संघर्ष करना पड़ा, तो निश्चित तौर पर महिला सेफ्टी